मैं संदीप चौहान आरबी न्यूज लाइव से। प्राथमिक विद्यालय रानीघाट क्षेत्र देवरिया सदर, यहाँ के स्कूल का कार्य देख रेख में अच्छी से नहीं है। आई डी दिखाते हैं हम, ना तो यहाँ पे फर्श हुआ है और ना ही यहाँ पर खाने पीने का भी व्यवस्था सही है। बच्चे खाए हैं, ना तो झाड़ में झाड़ा गया है, ना तो इसमें पोछा गया है और सब मिट्टी उभर गई है, उड़ रही है। और इधर क्लास में आइए, हम दिखाते हैं ये फर्श जो है ये सब टूट गया है। इसमें जैसे लग रहा है कोई गांव के लोग आ रहे हैं, खटिया उटिया बचिया सब कुछ इसमें रखा गया है। और आइए एक नजर और डालते हैं इधर, इधर भी खाना भोजन छीटा गया है। और इधर नाले जैसा नाली बह रहा है पानी का, जो कि धोने में पानी का व्यवस्था नहीं है कि मतलब पानी गड्ढे में डाल दिया जाए। यहाँ पे भी एक पोखरा है जो कि उसमें भी इसका पानी चल जाता, लेकिन ये सब व्यवस्था नहीं किया गया है, इसमें बहुत कमियाँ आई हैं। इधर देखा जाए तो सब काले काले हो गए हैं। और इधर अंदर क्लास में हम देखते हैं कि बच्चे इसमें हैं, लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि गौशाला, जैसे कि भैंस गाय की ये रूम है कि उसमें बांधा जा रहा है। और ऐसे कंकड़ भी दिख रहे हैं और धूल भी आए और बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। क्या यही है यूपी सरकार की देख रहे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जारी हुआ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हमको नहीं दिखने मा रहा है कि यहाँ पर की समस्या ये अच्छी से है। और आगे आइए और फिर देखते हैं अपनी, इधर से भी सब ये टूटा हुआ है और गिट्टी उट्टी रखा गया है। आइए और भी ऐसे हैं जैसे कि ये शौचालय है, लेकिन ये भी बना नहीं है सही से, टूटा हुआ है और बंद है, इसमें भी सफाई अभी नहीं है, बंदी है। लेकिन और भी बहुत सारे हैं, ये लोग जाके लाए सब खाना आप लोग भी ला देंगे। हां मिट्टी भी नहीं बची है, ये फर्श भी टूट गया है, कितना देखने में अच्छा लग रहा है। अब आप ही लोग देख कर इसको भी बताइएगा, ये अध्यापक रूम एक है जो यही व्यवस्था में सही है, लेकिन बाकी जितने रूम है वो सब टूट गए हैं, बिखर गए हैं। जी दिखा गया जी। एक सवाल करते हैं कि क्या वो हाँ उनको भी ये जानकारी है? अपना नाम अभिषेक त्रिपाठी जी। फर्श खराब है यहाँ का जो कि प्रधान जी को भी पता है जी, इसके लिए आप सूचना दिए हैं? हाँ, अपने विभाग को भी ये जानकारी दी है हमने, उनको भी जानकारी है और ग्राम प्रधान को भी पता है। अभी तक प्रधान क्या कह रहे हैं इसके बारे में? और यही आश्वासन है कि हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? उनसे ये नहीं कहे हैं कि ये तो बीजेपी सरकार में लागू हो गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चला करके ऐसे स्कूल में कैसे पढ़ाया जाएगा जो कि रहने का बैठने का व्यवस्था नहीं है? मान लीजिए आप खुद ही देख रहे हैं, इसके लिए नहीं उसके उनको दबाव बना रहे हैं कि क्यों नहीं इसको, अगर आपके माध्यम से नहीं हो पा रहा है तो सीधे हमको बता दीजिए जहाँ से होने वाला है उस अधिकारी के पास हम जाएँ, नहीं अगर आप जा पा रहे हैं हमें सपोर्ट कीजिए हम जाएँ वहाँ। हाँ तो वो इस चीज़ के लिए ना करते हो तब तो हम आगे जाएं, हम अपने विभाग को या उनको भी ये सूचना हमेशा देते रहें, वो आते भी हैं देखते भी हैं इस चीज़ को। और सूचना देने के लिए आप अकेले जाते हैं कि पूरे अपने स्टाफ के टीचर भी साथ में जाते हैं या बच्चे भी तो कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? विभाग से अधिकारी आते हैं वो भी देखते हैं इस चीज़ को, अब मीटिंग होती है उसमें हमसे पूछा जाता है कि फर्श की क्या हालत है, चाहे विद्यालय की क्या स्थिति है। NPRC के माध्यम से BRC पे हम ये सूचना हमेशा देते हैं जब भी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास फर्श के नाम पे कुछ नहीं है। एक तो कमरे कम हैं, जो कमरे हैं उसके फर्श भी टूटे हैं, दरवाजे नहीं हैं, ये चीज़ें और ये जानकारी विभाग को है। क्या आपको अच्छा लग रहा है देखने में? बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठंडी का मौसम है तो गर्मी का होता है तो ऐसे ही अंदर बैठते हैं, और बैठने की व्यवस्था जो है आप देख ही रहे हैं। वो तो देख रहे हैं, ठीक है आइए और एक सर जी हैं उनसे भी देखते हैं वो क्या अपना बात रखते हैं। आप भी कुछ बोल दीजिए, तो इसमें क्या कहें उनके? अरे महाराज जैसे कि जो टूटा फूटा है जी, हम यहाँ 2010 से जी जी ठीक है, अब तक कोई खास अभी तक परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, बदलाव ही नहीं है। बदलाव किस चीज़ का है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया है भाई, विभाग से जो भेजना था विभाग से भी हम लोग भेज के देख लिए तो बाउंड्री नहीं मिली,
अब जब ये प्रधान आए हैं तो इनमें बाउंड्री भी आया है, टाइल्स लगवाना है कि नहीं लगवाना, वो तो व्यवस्था अलग है, अलग है। पहले जो टूटा है उसको खराब है वो तो सीधा हो जाए, कम से कम हमें बैठने के लिए जगह सही हो जाए बच्चों को, जी जी वो भी नहीं है जी। आइए आते हैं अपना देखते हैं और चले जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रधान जी ने क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। अभी हम लोग चलते हैं प्रधान जी के वहाँ, वहाँ भी थोड़ी बातें होंगी। तब तक के लिए संदीप चौहान, आरबी न्यूज लाइव से देवरिया से, सोनू जी के साथ।